बढ़िया कनसेप्टा फिल्म ना हो फेरिले मु तुमर आउ नाटी कौन पे दिखाई से केवल आपने मुवी जो रिलीज हो देखे जापर बिकज स्टोरी को बेस करके नाटी दिखाई फेरिले मु तुमर आउटा कौन पर कह फेरिले मु तुमर किए क्या कौचे से आमर मानने मेन मोटो आउ कह गीत गीत फास्ट टाइम विष्णुमोहन कवि कर सो सेटा भी गोटे आमपाई भल हम जेहेतु विष्णुमोहन कवि जन सिंगर हिसाब से एस्टाब्लीश थे बट फास्ट टाइम म्यूजिक डायरेक्टर हिसाब से आम बॉबी भाई को इंट्रोड्यूस करछन जेहेतु बॉबी मिश्रम बैनर रे होउछ सो होप फॉर द बेस्ट कि बढ़िया हम आउ मोपाई फास्ट टाइम तृप्ति करूँ मो एगेन्स्ट भल आर्टिस्ट से आगर मानने भल आक्टिंग से करती मुझे जानी सो बहुत भल लगे काम करके हाँ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मुझे सुधाकर बसों सहित करवाई जाऊँगी सुधाकर सारे मोर आगु मझे तीन टा फिल्म कंटिन्यू करूँ बट यहाँ ता बहुत दिन पर आम मिसिकी पुणी करूँ सो बहुत एक्साइटेड अच्छी आउ फिल्म टी बहुत भल हम मोर आशा फेरिले तु मोर बट फेरिले तु मोर एमती नुह फेरिले तु मोर ये गोटे प्रेम संबंधित कहानी जना पड़ी बट या देर एमती जो रेगुलर जो पैटर्न थाए जे आई लव लव मी प्रेम को लेकर प्रेम कर मत ये सब जहाँ जाए थाए लव आ प्रेम शब्द को लेकिन ये सिनेमा देखते गोटे अलग धरण लगुच्छे फेरिले तुमर तो ये लाइन्स रु सिनेमार कहानी आप बुझीपे सेमती गोटे बहुत सुंदर कहानी तो ये कहानी ओडिशा रे आगुरी एमती कहानी होनी गोटे नुआ कहानी एवं मोर चरित्र जो ये तो बहुत भल कारण मुझे शुणिली निर्देशक बहुत खुशी हो गली सब चैलेंजिंग रोल करने को मत खुशी लगे तो निश्चित भाव ये रोल टी मुझे निश्चित भाव साधा ओडिया कहले फुटे चेष्टा करी तो सब दर्शक जो भरोसा हर प्रति रही सिनेमार निश्चित भाव में तार रिटर्न पाए कॉमेडी सहित एथिरे गोटे सीरीयस नोट्र मो कैरेक्टर अच्छी ग्राफ तेणु निश्चित भाव में मुझे 100% जस्टिस देवी कैरेक्टर को एवं सिनेमा जो भल बोली मुझे एवं मो अभिनय मुझे भल कर चेष्टा करी जमी सिनेमा चार चंद लग निश्चित भाव मुझे कह प्रथम सिनेमा करी फ्लॉप सिनेमा बहुत कष्ट करी रेडी रिलीज करने पूर्व मुझे आउ गए सिनेमा आरंभ कली फेरिले मु तुमर मोर सेकेंड अवदान मो बॉबी मिश्र फिल्म्स एवं मुझे आशा करुच्छी लोक मैंने जो भलपाइया मतलब से भलपाइया निश्चित सिनेमा माध्यम मो बैनर को देवे एवं सुंदर कहानी को सब कहानी उपरे फोकस करे मु कहानी की हीरो करे मो सिनेमार फ्लॉप सिनेमार से भाग गोटे नेचुरल स्टोरी की नहीं तैयारी करी एवं ये सिनेमा को भी मु जो स्टोरी टी कहानी टी करी बहुत भल भाव कहानी टी करी लोक मैं निश्चित भल पाइब यहाँ गोटे टिपिकल गोटे सेंटिमेंट लव स्टोरी टे भल लगे लोक मुझे सुटिंग बाहर करुच्ची भुवनेश्वर कटक बाहर ढेंकानाल भुवन तापरे कामाख्या केउंझर एपटे बुली करबे गीत दिओटी मु बाहर करी बुली चिंता करछु ओडिसा बाहर नमस्कार मु तृप्ति आज हम मूवी रो शुभ मुहूर्त होची फेरिले मु तुमर एटा मोर फर्स्ट मूवी आ मु बहुत खुशी अछि बहुत एक्साइटेड अछि एंड आज मुहूर्त हेइ सलानी एबे फिलहाल मु ट्राई करछि केमति मु मोर बेस्ट देबी मूवी रे स्पेशली थैंक यू जन भी आम मुवीर प्रोड्यूसर बॉबी भाई टुन्ना सर को आमर डायरेक्टर अच्छा सुधाकर सर म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा विष्णुमोहन सर एंड हीरो संबित भाई अच्छा मुझे बहुत खुशी अच्छी आटोरीटा बहुत ही भल स्टोरी आपण मैंने टाइटल रू ही जापारे किए फेरुँ क्या पाखक बहुत सारा सस्पेन्स अच्छी एंड रोमांस अच्छी लव स्टोरी अच्छी सैड मुमेंट अच्छी फुल पैकेज नहीं कि आम आसबू आपण मान पाखक आउ बहुत सारा एंटरटेनमेंट में करूँ आउ एत आशा करम दर्शक मैंने आमको बहुत भल पाइबा देवे आम मुवी को ढेर सारा भल पाइबा आशीर्वाद कर नमस्कार जय जगन्नाथ बर्तमान बहुत खुशी खबर आम फेर मुझे तुम फिल्म आज शुभ मुहूर्त दि साल वर्ष पूर्व कोरोना पैंडेमिक समस्त काम ना बहुत क्रिटिकल पोजिशन थी फिल्म इंडस्ट्री को वर्तमान एमती छोट छोट फिल्म आरंभ होती टेक्नीशियंस बहुत बहुत खुशी खबर और फिल्म पर फिल्म मूवी डायरेक्शन करती मुझे बहुत खुशी ये गोटे प्योर लव स्टोरी है सिनेमा बॉबी एंड संबित दो लीड रोल कर नुआ हीरोइन को इंट्रोड्यूस कर म्यूजिक बाय विष्णुमोहन कवि BMK वंडरफुल सब्जेक्ट पूरा लव स्टोरी एंड म्यूजिकल फिल्म तो निश्चित भाव में कितने फिल्म मो सिनेमा आप लाइक करमती ये सिनेमा को भी आप लाइक करूँ आशीर्वाद करूँ नीड योर ब्लेसिंग्स जय जगन्नाथ प्रथम तो मुझे बहुत खुशी लगुच कहीं
ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିନେମା ହେଉଛି ୟାର ବବି କାହାଣୀଟା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ସିନେମା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆର ଡାଇରେକ୍ଟର, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ହାଟକେ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ହିରୋର ମା, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିତଙ୍କ ମା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସିନେମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିସାରିଲେଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋପରେସନ୍, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ମା ବୋଲି, ଆଉ ମା ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ହିରୋର ମା ହେଇକି। ଶଶି କୁମାର ସାହୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ସିନେମାଟି ହେଇଛି ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛି ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପିକ୍ଚର, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କମସେ କମ 1800 ଆଲବମ୍ରେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, 60-65 ପିକ୍ଚରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଭିଲିଆନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହିରୋ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିବୁ, ଏଥର ଲିଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତୃପ୍ତି ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାଁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ରେ, ଆମର ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରେ, ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ତ ବବି ମିଶ୍ର ନିଜେ, ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଇ ଫେସ୍ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ହିଟ୍ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି ବବି ମିଶ୍ର ବ୍ୟାନର୍ରେ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଅବଦାନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ଲପ୍ ସିନେମା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ, ତୃତୀୟ ଅବଦାନ ଗୋଟେ ଚଙ୍ଗୁଣି ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କାହାଣୀ, ପୁରା ମୌଳିକ କାହାଣୀ। ଏହାର ଡିରେକ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡ୍ରେ ବବି ମିଶ୍ର, ସମ୍ବିତ ଆଉ ତୃପ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମହାଦେବୀ ସିରିଏଲ୍ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ। ତ ସିନେମାଟି ଆମର 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଟିଂ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ହେବ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ସିନେମାଟି ପାଇଁ ଆମର ଶଶି ନନା ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ, ବବି ଭାଇଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ, ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହନ୍ଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ୍ ମୁଭି ପୁଣି ଚଙ୍ଗୁମଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବବି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ମହରତ କଲୁ, ଏବଂ ଚାହୁଁଛୁ ଦର୍ଶକ, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଯେହେତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କମି କମି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ବି ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ 10-15 ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆସୁଛି, ଯଦି ଏହି ପରମ୍ପରା ଲାଗିଯାଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପୁଣି ଆଗକୁ ବହୁତ ଉଠିବ।